सर क्या कहना चाहिए न्यूज़ मेकर्स अवार्ड की बात करें तो हर क्षेत्र के लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए सलाह क्या क्या करेंगे क्षेत्र में विभिन्न विचारों के समूह के केंद्र को समाज कहते हैं और समाज विकसित और जीवंत ये आदर्शों का अनुसरण कर और आदर्शों का सम्मान करता है तो विभिन्न क्षेत्र के वो सभी व्यक्तित्व जो एक सद्गुण के रूप में हमारी संस्कृति के पोषक होते हैं और साथ में मानवीय स्पंदन और मानवीय संवेदना के साथ में सेवा समर्पण और आचरण का शुद्ध भाव रखकर अपने धर्म को विशुद्ध राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होते हैं इसलिए आज एनबीसी अवार्ड के माध्यम से इसी तरीके की शख्सियतों को जो है पुरस्कार दिया गया महाराष्ट्र दिवस के निमित्त नहीं सर गार्ड करना ज़्यादा ज़रूरी होता है या न्यूज़ मेकर खुद को साबित करना खुद को एक मतलब मीडिया देखिए बाजारवाद के युग के चलते हुए ये प्रश्न आपने मेरे से पूछा है अगर आप जब धर्म सत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव कालांतर राजसत्ता का भारतीय समाज पर प्रभाव उसके बाद सरकार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव और अब बाजार व्यवस्था का भारतीय समाज पर प्रभाव आज उसके चलते हुए जो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं वो समाज के अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि जिनके पास विचार है उनके पास संसाधन नहीं है जिनके पास संसाधन है उनके पास विचार नहीं है तो इसलिए न्यूज़ में हाँ सो बीइंग द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर क्या कहना चाहेंगे कितना बड़ा चैलेंज हो गया आज के दौर में किसी न्यूज़ को यू नो बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो रुद का साथ देना कितना बड़ा अब चैलेंज है आज के ज़माने में मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है क्योंकि मेरा अखबार किसी इंटेलेक्चुअल मॉर्गेज में नहीं है ना ही मैनर के एम्प्लॉयज़ हो और मैं अगर ये कहूँगी कि हर पत्रकारिता को स्वायत्त होना चाहिए और खुद की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तो फिर रोजी रोटी भी चलना ज़रूरी है इसलिए बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहस और बकवास में अच्छी लगती है बट रियलिटी में हमें बहुत मर्यादाएं हैं और उस मर्यादाओं को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा।